कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए 38 BRTF प्रोजेक्ट दीपक BRO की टीम ने साइकिलों के माध्यम से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसके तहत लोगों को सही तरीके से मास्क पहनने सहित कोरोना से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया जा रहा है तथा चालकों को शराब न पीकर गाड़ी चलाएं आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये अभियान 3 मई से स्टिंगरी से शुरू हुआ है, जो 7 मई को शिमला में संपन्न होगा। इस अभियान में 4 सदस्य टीम 323 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी करेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में वो लोगों को मास्क लगाना व हाथों को सैनिटाइज करने के बारे में भी पैम्पलेट के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। प्रोजेक्ट दीपक की तरफ से ये रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया है। हम 4 लोग हैं जो कि हम स्टिंगरी से चले हैं 3 तारीख को, और हमें 323 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे चीफ हेडक्वार्टर शिमला पहुंचना है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट दीपक का चीफ हेडक्वार्टर है। और ये जो अभियान है, ये हम लोग रोड सेफ्टी और कोरोना अवेयरनेस दोनों के लिए ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने सुना है न्यूज़ चैनल, टीवी, हर कोई यही चीज़ बता रहा है कि अभी ये जो कोविड है, ये सेकेंड वेव है प्लस सेकेंड स्ट्रेन अभी इंडिया में आ चुका है, जिसकी वजह से अभी हर किसी की मौत हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अभी 18 से जो 18 साल के लोग हैं उनमें भी ये चीज़ें आ रही हैं, जो कि पहले सिर्फ एजेड लोग हो रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों को बता रहे हैं, भाई आप मास्क सही तरीके से प्रॉपर तरीका जो मास्किंग का है वो नोज तक पहनने का है, हाथ को सैनिटाइज करना, बार बार हाथों को धोना। जब भी आप ऑफिस से घर जाते हैं, अपने बच्चों से मिलना है, तो पहले अपने आप जो आपने कपड़े पहने हैं उनको निकाल के फिर उनको मतलब उतार के दूसरे कपड़े पहन के ही अपने बच्चों से मिले। प्लस साथ ही में आपको पता है कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप नशा ना करें, बिना नशा के गाड़ी चलाएं। एज हिमाचल एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे बहुत लोग यहाँ से आते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को यही बोल रहे हैं कि भाई आप नो मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ इंजीरियस फॉर योर हेल्थ। थैंक यू सर।